हम यहाँ पे देख रहे हैं पेन टूल के बारे में, यहाँ से डबल क्लिक करते हैं, अनलॉक करते हैं, ओके करते हैं और यहाँ से लेते हैं पेन टूल के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं पेन टूल, और पेन टूल हमें मिलता है यहाँ पर, जिसकी शॉर्ट की है पी। देखिए ये पेन टूल क्या है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल है और इस टूल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको फ्री हैंड देता है कोई भी चीज़ बनाने के लिए। सबसे पहले इसका तरीका ये है कि पेन टूल लेना है आपने, यहाँ से सेट करना है शेप के ऊपर, शेप के बाद इसका फिल कर देना है नो फिल, और यहाँ से क्लिक करना है स्ट्रोक के ऊपर। स्ट्रोक रखने के बाद यहाँ पे 1 पिक्सल 2 पिक्सल का जो भी स्ट्रोक रखना है उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो क्लिक करने पे आया इसको हम कहते हैं एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया इसका दूसरा एंकर पॉइंट, और इस एंकर पॉइंट, दोनों एंकर पॉइंट के दरमियान में जो बनी है ये बनी है पाथ। अब अगर हमें इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये ओपन पाथ कहलाएगा, लेकिन अगर मैं इसको आगे क्लिक करके और इस तरह क्लिक करके और अपने एक शेप को कंप्लीट करूँगा तो ये इसकी पाथ क्लोज हो गई और ये एक बन गया शेप, और इसकी बन गई एक अलग लेयर। अब इसके अंदर मुझे कलर वगैरह भरना है तो इस पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से कलर भर सकता हूँ, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि यही पेन टूल लेके या शेप टूल लेके क्लिक करूँगा यहाँ यहाँ, और यहाँ से लूँगा फिल, और इसके अंदर जो कलर फिल करना है वो यहाँ से भर दूँगा। इसकी स्ट्रोक पे जो कलर मुझे देना है वो यहाँ से इसके स्ट्रोक को थिक एंड थिन कर सकता हूँ, और अगर स्ट्रोक को नो स्ट्रोक करना है तो यहाँ से जाके नो स्ट्रोक कर सकता हूँ। ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब इस पेन टूल से हम ऐसे शेप्स बना सकते हैं जो पहले से बने बनाए नहीं हैं, लेकिन मैं इसका तरीकाकार ये बताऊंगा। पेन टूल लें, फिल को करें आप नन, और स्ट्रोक को रखें आप किसी भी कलर के ऊपर, और उसका जो भी थिकनेस लेवल है थोड़ा सा सेट रखें, और एक जो नई लेयर लेके उस पर एक नया शेप क्रिएट करें। अब लेट सपोज आपको इस तरह का कोई शेप बनाना है तो ये देखें इस तरीके से ईजिली आप क्रिएट कर सकते हैं। लेट सपोज ये ऐसे करके हमने एक शेप क्रिएट करना था जो कि शेप पहले से बना हुआ नहीं है, और मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ। तो ये तो इसका पेन टूल का बेसिक इस्तेमाल है जिसको हम यूज़ करते हैं कोई भी ज्योमेट्री शेप बनाने के लिए। ज्योमेट्री शेप वो होते हैं जिनके कॉर्नर्स होते हैं, और ये हर कॉर्नर पे मौजूद है। अब अगर हम फर्दर मोर इस पेन टूल की बात करें तो मैं यहाँ से क्लिक करके पेन टूल का एक और टूल लूँगा जिसका नाम है फ्री फॉर्म पेन टूल या कन्वर्ट टू कर्व पेन टूल। यहाँ से फ्री फॉर्म पेन टूल पर क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करूँगा या डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, और यहाँ पर क्लिक करके हमें डिलीट एंकर पॉइंट का भी ऑप्शन मिल रहा है। क्लिक करके जैसे ही मैं इस एंकर पे क्लिक करूँगा तो इसका ये वाला एंकर डिलीट हो जाएगा। जैसे ही ये एंकर डिलीट हो जाएगा तो बाकी जो पाथ है हमारी दीगर एंकर पर आ जाएगी, और जैसे ही मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो हमारा ये वाला भी एंकर ख़त्म हो जाएगा और ये वाला एंकर भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से देखें ये तीन एंकर पर हमारा टूल डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर जाके एड एंकर पर क्लिक करूँगा और इसी पाथ के कहीं भी बीच में क्लिक करूँगा तो एक नया एंकर ऐड हो जाएगा। जिस एंकर को मैं यहाँ से क्लिक करके सिलेक्शन पाथ सिलेक्शन या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से पकड़ के ऐसे करके अलग भी कर सकता हूँ और उसको मूव भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप हैरान हो रहे होंगे कि ये जो मामला है ये कैसे क्रिएट हुआ, ये एंकर के कहलाते हैं हेल्डिंग सॉरी हैंडल्स, और हैंडल्स ये वाला पकड़ के अगर मैं ऐसे घुमाऊँगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और अगर मैं ऐसे घुमाऊँगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर ये इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे रखा जाएगा और ये आपको ऐसे दिखाई देगा। क्लिक करके यहाँ पर आपने इसमें कोई कलर भरना है तो यहाँ शेप फिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ओवर कर देंगे तो यहाँ पे एंड हो जाएगा। उस पर क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से नज़र आने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको यहाँ से कर दिया हमने डिलीट, ये शेप भी डिलीट हो गया, यहाँ पर क्लिक करके ये भी कर दिया हमने डिलीट, और यहाँ से ये भी डिलीट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसी पेन टूल से कर्व कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए कर्व क्रिएट करने के लिए आपने क्लिक करना है पेन टूल के ऊपर, और यहाँ पे जो आपने पहला एंकर बनाया उससे अगले एंकर पे जब क्लिक करें तो उसको पकड़ के होल्ड कर लें, और उसको अगर नीचे खींचेंगे तो ऊपर की तरफ कर्व बनेगा, और अगर ऊपर करेंगे तो नीचे की तरफ कर्व बनेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट कर्व्स जो हैं यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जितना बड़ा ये हैंडल खींचेंगे उतना बड़ा कर्व पीछे भी बनेगा, और अगर आगे जाएंगे तो उसी के आगे राउंड में ऐसे भी घूमेगा और यहाँ पर भी ऐसे भी घूमेगा, तो यहाँ से घूम के इसके 50% से ऐसे आ जाएगा और ये शेप हमारा कंप्लीट हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए कि मैंने इसको इस तरीके से किया, और फिर इसको इस तरीके से किया, और फिर मैं इसको घुमारा घुमा के नीचे लाया इस तरीके से, और यहाँ पे ले जा के मैंने इसको इस तरीके से किया, और यहाँ पर ले जा के मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इस तरह के कर्व्स बन सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कर्व्स बन रहे हैं इनको कंट्रोल और किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ये वाला पॉइंट भी है, कन्वर्ट टू पॉइंट।
ये कैसे काम करता है। अभी हम यहाँ से लेते हैं पेन टूल, और पेन टूल ले गए मैंने, जैसे यहाँ से क्लिक करके इसको ऐसे खींचा 50% ऊपर, तो यहाँ से ये घूम के आएगा यहाँ पर इस तरीके से। ये देखिए इस तरह का शेप इसमें से ऐसे भी निकल सकता है, और अंडू कर दिया मैंने, इसको ऐसे भी निकालना चाहूँ तो ये शेप भी यहाँ पर इस तरह से निकल सकता है, और यहाँ पर ये इस तरीके से ऐसे भी निकल सकता है, और यहाँ पर इस तरह से भी निकल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक किया, और ये इस तरह का शेप भी इसमें से निकल सकता है। अब अगर मिसाल के तौर पे मुझे इसी शेप को आगे कंटिन्यू करना है, लेकिन अगले वाले पे जब मैं जा रहा हूँ तो मेरा एंकर यहाँ से घूम रहा है, या मैं ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा एंकर यहाँ से घूम रहा है, और अगर इस हैंडल को मुझे कम ज़्यादा करना है तो देखें इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि ऑल्टर का बटन दबा के होल्ड करना है, कन्वर्ट टू पॉइंट ऑटोमेटिकली उसके हैंडल पर एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके हैंडल को आप ऐसे भी कम कर सकते हैं, और उसके हैंडल को आप ऐसे भी कम कर सकते हैं, ठीक है, और बढ़ा भी सकते हैं, जिससे ये इसका हैंडल कम ज़्यादा किया जा सकता है। अब आप इसको छोड़ दें ऑल्टर को, और फिर आप अपने हैंडल को यहाँ से जैसे आगे लेके जा रहे हैं तो ये देखिए इस तरीके से अब आपको ये ऐसे आपको सपोर्ट करेगा, और आपने यहाँ पर ले जाके जैसे इसको क्लिक किया तो देखें ये इस तरह का मामला क्रिएट होगा। और अब देखिए इतना ऊपर चला गया है, तो ऑल्टर का बटन दबा के इसको हम नीचे कर लेते हैं, और दबा के इसको नीचे ला के यहाँ पर रख के मैं इसको यहाँ से इस तरीके से इससे मिला देता हूँ, अंडू करता हूँ, थोड़ा गलती से मुड़ गया, तो ये देखिए ये इस तरह का मामला क्रिएट हो जाता है। बाद में भी अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है तो ये आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इस टूल को क्लिक करके ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इसके हैंडल्स और एंकर्स जाहिर हो जाएंगे, और इसको पकड़ के आप इसको इस तरीके से कम भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ शिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा था, और यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे मज़ीद कर्व भी कर सकते हैं, और पूरा का पूरा एंकर पकड़ के इसको ऐसे मूव भी कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ किसी किस्म का कर्व आ जाए, तो यहाँ कर्व ख़त्म हो जाए और कॉर्नर आ जाए, तो यही वाला टूल लेके जिसका नाम है कन्वर्ट टू पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसके कर्व को ख़त्म कर देगा। ये देखिए अब जब कर्व को ख़त्म करेगा तो शेप बिगड़ जाएगा, ठीक है। अंडू कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये कर्व ख़त्म करने से शेप बिगड़ सकता है, तो यहाँ पर देखिए हमने एक शेप इसमें इस तरह से निकाल लिया। क्लिक करके यहाँ पर हमने दोबारा से शेप टूल या पेन टूल ले लेना है, उसके बाद उसके अंदर कोई भी कलर फिल करना है तो यहाँ से फिल कर देंगे, और यहाँ क्लिक करने पर ये आपको ऐसे नज़र आएगा, और फिर ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि कुछ इस तरह के शेप निकाल लें, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के शेप्स हैं, तो ये थोड़ा सा पेन टूल का इस्तेमाल था, ठीक है।